आज बात करने वाला हूँ तुम एयू बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अकाउंट ओपनिंग का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हो और इस आईडी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और आज बात जो बात करने वाला हूँ, तुम एयू बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हो कोई भी रिटेलर आईडी। डिस्ट्रीब्यूटर में रिटेल अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा और डिस्ट्रीब्यूटर मैं तुमसे बनाऊँगा, वहाँ से तुम किसी का रिटेलर बना के वहाँ से एयू का अकाउंट ओपन कर सकते हो। और एयू का जो अकाउंट ओपन होगा कौन सा पोर्टल में होगा, वेब में होगा और बिजनेस पोर्टल में। और लिंक बैंक अकाउंट ओपन होगा और वहाँ उसका फर्स्ट नेम जो होता है और क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर सभी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक रहेगा वो टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन होकर ये PDF भी ले सकते हो। इसके लिए क्या इशू होता है, ठीक है, तुम्हारा आधार कार्ड में, आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों में मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है उस नंबर पे ही AU का अकाउंट का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, और जीरो बैलेंस में अकाउंट होगा। और कोई इशू फुल PDF तुम वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हो। अभी दिखाऊंगा कौन सा पिन कोड में इसका अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एक्सेल शीट PDF और एक्सेल शीट दोनों में अपलोड करके रखा है, तुम कोई भी टेलीग्राम में ज्वाइन होके कोई भी चीज़ देख सकते हो। मैंने PDF चूज किया, ठीक है, PDF में यहाँ पर ऑल इंडिया में जितना भी पिन कोड है उस पिन कोड का सभी पिन कोड यहाँ पर शो होगा। पहले न्यू दिल्ली शो हो रहा है, तुम यहाँ पर जब कॉल डाउन करोगे तुम्हारा जो पिन कोड होता है, मान लो कंप्यूटर में ओपन करोगे तो फाइन टिप के तुम यहाँ पर तुम्हारा जो ना पिन कोड है वो पिन कोड सर्च कर सकते हो। तुम्हारा पिन कोड में इसका अकाउंट ओपन होगा ना नहीं होगा ये देख चेक कर सकते हो, ठीक है। और तुम पहले से बिजनेस का आईडी यूज कर रहे हो, तुम इसका पिन कोड मालूम नहीं है व कंपनी से नोटिफिकेशन नहीं मिला, इसके लिए तुम मेरा ये डिस्क्रिप्शन जो टेलीग्राम का लिंक रहेगा उस लिंक में क्लिक करके इसका PDF व एक्सेल शीट दोनों ले सकते हो, ठीक है। तुम जहाँ भी बिलोंग करते हो, ठीक है, वहाँ पर होगा तुम। और वीडियो में फुल पिन कोड शो करूँगी तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए तुम यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। फोर हंड्रेड एटी एट पेज है, ठीक है, सभी पेज मेरे को दिखाने के लिए लायक नहीं है, तुम इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। अभी तुमसे दिखाऊंगा कैसे तुम AU का अकाउंट ओपन करोगे, AU का जो अकाउंट ओपन करोगे कैसे अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है 7.25%, ठीक है, इसका है। और यहाँ पर पहले आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है वो नंबर पहले देना होगा। मैंने जो पहले दिखाया एक्सेल शीट बा PDF बा एक्सेल शीट वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और कैसे इसका अप्रूवल होगा वो भी टेलीग्राम चैनल में इसका PDF सभी दे दूंगा। और कैसे अप्लाई करना है वो वीडियो तुम फुल्ली वीडियो जांच करके देखो, और वीडियो अच्छा लगे तो किसी को लाइक शेयर कमेंट कर दो। और तुम्हारा कोई फ्रेंड AU का अकाउंट ओपन करना चाहता है, CSP का आईडी है, मान लो बिजनेस का आईडी है, वो कैसे अप्लाई करेगा इसको लिए उसका ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। कैसे इसका अप्लाई करोगे, पहले आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है उस नंबर देना होगा। नंबर देने के बाद वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आधार नंबर टाइप करना होगा, आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है उसमें वो OTP जाएगा। OTP सबमिट करने के बाद उसके बाद पैन नंबर दोगे, तुम्हारा जो पैन नंबर होता है वो पैन नंबर दोगे, कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद तुम्हारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड नंबर देना होगा और आधार कार्ड में OTP आएगा। वो OTP देने के बाद तुम्हारा जो सही नाम है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो शो हो जाएगा। उसके बाद तुम जो स्टेटस है, मान लो सिंगल, मैरिड, डिवोर्स जो हो वो देना, ईमेल आईडी टाइप करके सबमिट करना। सबमिट करने के बाद यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, वाइफ नेम वो शो होगा। तुम किसी को नॉमिनी ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारा मर्जी। उसके बाद सबमिट कर देना होगा।
सबमिट करने के बाद यहाँ पर तुम्हारा जो एड्रेस शो होगा वो यस कर सकते हो। मान लो तुम्हारा आधार कार्ड में जो एड्रेस है, मान लो तुम बिहार बा वेस्ट बंगाल में रहते हो, तुम अभी बिलोंग कर रहे हो बा दिल्ली बा मुंबई में बिलोंग कर रहे हो, उस एड्रेस में बिलोंग कर रहे हो, तो उसके लिए नो करके डिफॉल्टर सिलेक्ट करके एड्रेस अपडेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद तुम जिस टाइप का बिलोंग करते हो, मान लो सैलरी पर्सन हो बा कंपनी जॉब करते हो बा इंडिविजुअल हो, कोई भी हो सिलेक्ट करना। उसके बाद एनुअल इनकम दे देना, सभी में दोनों में टिक मार देना होगा। उसके बाद सबमिट देने के बाद यहाँ पर फुल डिटेल शो हो जाएगा, कॉन्फर्म करना होगा। कॉन्फर्म करने के बाद सेम प्रोसेस सभी शो होगा। उसके बाद कॉन्फर्म करोगे और कस्टमर का पास जो कार्ड आएगा, इस तरह कार्ड वो मांगा सकते हैं, ठीक है। जीरो बैलेंस अकाउंट सिलेक्ट करके कॉन्फर्म करना होगा, ठीक है। और मंथली यहाँ पर कोई एवरेज का मेंटेनेंस नहीं है, जो है इजीली तुम कंफर्म कर सकते हो। तुम मोबाइल नेट बैंकिंग लेना चाहते हो या यूपीआई जो यूज करना चाहते हो वो उसमें क्लिक करके कंफर्म कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट में केवाईसी अमाउंट में जीरो सिलेक्ट करना, जीरो बैलेंस में अकाउंट ओपन होगा, कंफर्म कर देना होगा। कंफर्म करने के बाद सभी डिटेल ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड विथ माई चूज कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड का लाइव वीडियो होगा, ठीक है। कस्टमर का तुम्हारा सब में आएगा, उसको लाइव वीडियो करना होगा। लाइव वीडियो में कोई भी एक साइड में सब का अंदर एक साइड में लगा दोगे। उसके बाद यह उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड का लेके वीडियो होगा 10 सेकेंड का। वीडियो वेरीफाई होने के बाद इंक्लूडिंग सबमिट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी से एयू ब्रांच से का एक कॉल आएगा। कॉल में क्या पूछा जाएगा, कॉल में तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और कुछ पिन कोड, इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन जब बोल दोगे उसके बाद पहले मिस्टेक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी वालों ने बा एयू बैंक का तरफ से फिर से कॉल आएगा, तुम सही से जवाब देना। उसके बाद उस तुम्हारा अकाउंट इजीली यूज कर सकते हो, जिस कस्टमर का तुम अकाउंट ओपन कर रहे हो उस इजीली यूज कर सकते हो। और कोई जानकारी हो तो तुम बिजनेस पोर्टल का वहाँ पर नोटिफिकेशन में देखोगे, एयू बैंक का अकाउंट ओपनिंग के जब क्लिक करोगे वहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर शो होगा, उसमें भी मैसेज करके सोल्यूशन ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। तुम बिजनेस कंपनी का पहले से डिस्ट्रीब्यूटर हो या रिटेलर हो, तुम यहाँ से काम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।